गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डे 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है बहुत जल्दी। इस समय सुबह का 5 बज रहा है और अब हम अपनी जर्नी के फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। सो हम जा रहे हैं बैंगलोर। इतना ज़्यादा फॉग है कि गाड़ियाँ ही नहीं दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों को हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है जबकि ऑलरेडी 6:30 हो चुका है। करीब 120 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद हम ये फूड पिरामिड, एक हाईवे रेस्टोरेंट है, इधर रुके हुए हैं। Wow, how beautiful it is. This is Krishna River. सो आज थकान फील हो रही है। अभी भी बैंगलोर 200 किलोमीटर है। अभी यहाँ रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। सिर्फ एक कॉफ़ी ऑर्डर किया है मैंने अपने लिए, जस्ट टू गेट सम रेस्ट। सो मैंने ऑर्डर किया है अनियन उत्तपम। क्या क्या आया है? दिस इज अनियन उत्तपम। एक सब्जी दी है, मिक्स्ड वेज लग रहा है, एक्चुअली मिक्स्ड वेज ही है, बीन्स, कैरेट, पोटैटो। ये सांभर है, आंध्रा में सांभर ऐसा देखने को मिलता है। और ये चटनी है हमारी, कोकोनट चटनी। ये कौन सी चटनी है? बॉम्बे चटनी। बॉम्बे चटनी है, किससे बनती है? वो तो रेड चिल्ली आता ना। हाँ हाँ, रेड चिल्ली, टोमेटो। ओके ओके। सब्जी अपनी घर जैसी है, जो मिक्स सब्जी होती है, ग्रेवी वाली, वैसा है, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, प्रॉपर होमली टेस्ट है। दाल में पकड़ी कर दो, वैसा सांभर है। 3 घंटे बचे हैं जो खत्म नहीं हो रहे हैं। ग्रीन ग्रीन पहाड़ी दिखने लगे हैं। 75 किलोमीटर रह गया है, लेकिन हाँ, बैंगलोर की फील आने लगी है। हर तरफ ग्रीनरी है, छोटे छोटे पहाड़ दिखने लगे हैं जो कि ग्रीन है। ओके, 3:15 बज रहा है और बस जस्ट अभी हम घर पहुँचे हैं। और घर की हालत वैसी है जैसे छोड़ के गए थे, सब क्लोज्ड है। बस क्विकली अपने प्लांट्स चेक कर लेता हूँ, वो किस हाल में हैं। और इधर ठीक है, इसको थोड़ा पानी कम मिला है लग रहा है। थिंक इट नीड्स लिटिल मोर वाटर, लेकिन यह ड्राई है, ड्राई है। बाकी इधर प्लांट सारे अच्छी कंडीशन में हैं।